बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बूढ़े शेख को अपना एक मुर्गा बहुत प्यारा था। अचानक एक दिन वो चोरी हो गया। उसने अपने नौकर चाकर भगाए, पूरा कबीला छान मारा, मगर मुर्गा नहीं मिला। मुलाजमों ने कहा कि मुर्गे को कोई जानवर खा गया होगा। बूढ़े शेख ने मुर्गे के पर और खाल ढूंढने का हुक्म दिया। मुलाजिम हैरान होकर ढूंढने निकल पड़े, मगर बेसूद। शेख ने एक ऊंट ज़िबा किया और पूरे कबीले के अमायदीन की दावत कर डाली। जब वो खाने से फारिग हुए तो शेख ने उनसे अपना मुर्गा गुम होने के बारे में जिक्र किया और उनसे उसे ढूंढने में मदद की दरख्वास्त की। कुछ ज़ेर लब मुस्कुराए, कुछ ने बूढ़े को खफ्ती समझा, मगर वादा किया कि कोशिश करेंगे। बाहर निकलकर मुर्गे की तलाश पर ऊंट ज़िबा करने पर खूब गपशप हुई। कुछ दिन बाद कबीले से बकरी चोरी हो गई। गरीब आदमी की थी, वो ढूंढ ढांड कर खामोश हो गया। शेख के इलम में जब ये बात आई तो उसने फिर एक ऊंट ज़िबा किया और दावत कर डाली। जब लोग खाने से फारिग हुए तो इसने फिर मुर्गे की तलाश और बकरी का किस्सा छेड़ा और कबीले से कहा कि इसका मुर्गा ढूंढ दें। अब तो कुछ ने उसे बुरा भला कहा, कुछ ने उसे दिलासा दिया कि इतनी बड़ी बात नहीं, सब्र कर लो, इससे ज़्यादा अपना नुकसान कर चुके हो। अभी 3 ही दिन गुजरे थे कि एक और शेख का ऊंट रात को उसके घर के सामने से चोरी हो गया। इस शेख ने अपने मुलाजमीन को खूब बुरा भला कहा और खामोश हो गया कि एक ऊंट उसके लिए कोई माली वक्त नहीं रखता। बूढ़े शेख को जब ये इलम हुआ तो उसने फिर एक ऊंट ज़िबा किया और कबीले की दावत कर दी। सब खाने से जब फारिग हुए तो उसने सरसरी ऊंट का गुम होने का जिक्र करके अपने मुर्गे को याद किया और कबीले से इल्तिजा की कि इसका मुर्गा ढूंढ दें। अब तो महफिल में खूब गर्मा गर्मी हुई और बूढ़े से कहा गया कि अब अगर दोबारा उसने मुर्गे से मुतल्लिक कोई बात की तो पूरा कबीला इसे कता ताल्लुक कर लेगा। शेख के बेटों ने भी बाप की इस हरकत पर मेहमानों को रुख्सत करते हुए माजरत खाना रवैया इख्तियार किया और शर्मिंदा भी हुए कि एक मुर्गे के बदले 3 ऊंट और शर्मिंदगी अलैदा। यकीनन इनका बाप अब सठिया गया है। 15 रोज़ गुजरे तो कबीले की एक लड़की कुएं से पानी भरने गई और फिर वापस नहीं आई। गांव में कोहराम मच गया, पूरे कबीले की इज्जत दांव पर लग गई। नौजवान ने जत्थे बनाए और तलाश शुरू की। पहले गांव, फिर इर्द गिर्द, फिर मजीद गांव के लोग शामिल हुए और इर्द गिर्द के गांव से मालूमात की गई तो पता चला कि कुछ डाकू करीब पहाड़ की एक गार में कुछ अरसे से रह रहे हैं। गांव के लोगों ने छापा मारा, वहाँ लड़ाई हुई, अमवात हुई और लड़की बरामद कर ली गई। लोगों ने वहाँ ऊंट, बकरी और मुर्गे की बाकायात भी ढूंढ ली। तब उन्हें एहसास हुआ कि बूढ़ा शेख किसी तूफान के आने का उन्हें अंधिया दे रहा था। अगर गांव के लोग मुर्गे पर ही मुतद हो जाते तो आबरू तक बात ना पहुँचती। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बिल यकीन हम उन्हें करीब के छोटे से बाज अजाब उस बड़े अजाब के सिवा चखाएंगे ताकि वो लौट आएं। अल सजदा, ये अल्लाह करीम की सुन्नत है कि वो बड़ी तकलीफ से पहले छोटी तकलीफ से तनबी फरमाता है ताकि अहले अकल समझ जाएं और अपने मिलकती रेवड़ पर तवज्जो दें इससे कबल के उसे भेड़िये नोच खाएं। अल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम के गलत सियासी फैसलों की वजह से इनको एक अरसे से महंगाई, बेरोज़गारी, धमाकों, लोड शेडिंग, सैलाबों, जलजलों और दीगर कई एक छोटे छोटे अजाबों में मुबतला रख कर तनबी फरमा रहा है कि वो मकसद पाकिस्तान यानी इस्लामी पाकिस्तान की तरफ वापस लौट आएं। दीनी जमातें पहले दिन से उन्हें मतवज्जा कर रही हैं, लेकिन वो सब कुछ आया होने के बावजूद दीन इस्लाम की तरफ लौटने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चला दे। आमीन। मौजूद नाज़रीन,
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकअल्लाह।